फिल्म की शुरुआत एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से होती है जो अपने घर की किचन में खाना बना रही होती है, पर तभी उसे ऊपर वाले कमरे से खून टपकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वो तुरंत ऊपर जाकर देखती है जहां उसे उसके पिता रायन का शव दिखाई देता है, जिसे देख वो एकदम घबरा जाती है। पर तभी एक खतरनाक वेयरवुल्फ खिड़की से कूदकर भाग जाता है, जिसने ही रायन को मारा होता है। अब अगले सीन में डिलन नाम का आदमी अपने बैकग्राउंड वॉइस के जरिए सभी से कह रहा होता है कि शहर में वेयरवुल्फ, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स इंसानों के शक्ल में रहते हैं और मेरा काम इन सब के बीच शांति बनाए रखना था ताकि वो इंसानों के लिए खतरा ना बन सके। लेकिन कुछ क्रीचर्स ने लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिनमें मेरी पत्नी भी मारी गई। इसलिए मैं इस काम को छोड़कर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन गया। जिसके बाद अब हम डिलन को देखते हैं, जिसके ऊपर कोई गन ताने खड़ा होता है, क्योंकि डिलन ने उस आदमी का उसकी असिस्टेंट के साथ चक्कर चल रहा था। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को बता दी थी और इसी गुस्से में वो आदमी डिलन को मारने उसके घर आया होता है। लेकिन डिलन चालाकी से उस आदमी से गन लेकर उसे वहां से भगा देता है। अब वहां डिलन का दोस्त मार्कस आता है, जो उसे एलिजाबेथ के केस के बारे में बताता है कि उसने तुम्हें बुलाया है उसके पिता की हत्या का केस संभालने के लिए। इसलिए अगले ही दिन वो दोनों एलिजाबेथ के घर जाते हैं। वो अब उन्हें बताती है कि मेरे पिता की हत्या किसी इंसान ने नहीं बल्कि वेयरवुल्फ ने की है। जो सुनकर डिलन वहां से जाने लगता है क्योंकि उसने उन क्रीचर्स का केस संभालने का काम छोड़ दिया था। एलिजाबेथ फिर भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। अब रात को मार्कस जब घर में होता है कि तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर उसे मार देता है, जिसकी कुछ समय बाद डिलन उसके घर आता है और मार्कस को मृत देख काफ़ी दुखी हो जाता है। और अपनी पत्नी और दोस्त को खोने के बाद वो क्रीचर्स का केस संभालने का काम शुरू कर देता है। इसलिए वो सबसे पहले एलिजाबेथ के घर जाकर उसके घर की तलाशी लेता है, जहां उसे घर के बाहर पेड़ पर वेयरवुल्फ का बाल मिलता है जिसने रायन को मारा था। और उस बाल को चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ कोई फीमेल थी। अब डिलन शहर में रह रहे वेयरवुल्फ परिवार के लीडर गैब्रियल के दुकान पर आता है, जो मीट सप्लाई करने का काम करता है, जहां उसे ऑर्डर के पेज पर एक बहुत ही कम मीट का ऑर्डर दिखाई देता है। इसलिए वो उस एड्रेस को नोट कर लेता है, जिसके बाद वो गैब्रियल से मिलता है और उससे कहता है कि रायन की हत्या एक वेयरवुल्फ ने की है जो कि तुम्हारे परिवार से ही होगा। लेकिन गैब्रियल उसे साफ मना कर देता है, पर फिर भी डिलन को उस पर शक हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, गैब्रियल का बेटा वैन उस पर हमला कर देता है। लेकिन डिलन को इन क्रीचर से लड़ना आता था, इसलिए वो उसे हरा कर वहाँ से निकल जाता है और फिर उस एड्रेस पर आता है जहाँ से कम मीट का ऑर्डर हुआ था। अब वहाँ उसे गैब्रियल की बेटी मेहरा का शव दिखाई देता है और तभी घर से स्लेक नाम का वैम्पायर निकलकर भागता है। डिलन फिर उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग जाता है। इसलिए अब डिलन दोबारा एलिजाबेथ के घर आकर उससे सवाल करता है कि रायन क्या काम करते थे, जिस पर वो कहती है कि वो एक स्मगलर थे, पर हत्या वाले दिन हमारे घर में कोई भी चीज चोरी नहीं हुई सिवाय एक आर्टिफैक्ट के। इसलिए डिलन उस आर्टिफैक्ट की एक तस्वीर अपने पास रख लेता है, पर तभी कई सारे वैम्पायर्स आकर उन पर हमला करने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से वो दोनों उनसे बचकर घर के बाहर आ जाते हैं। डिलन अब वहाँ से मुर्दा घर आता है ये चेक करने के लिए कि मार्कस को क्रिस क्रीचर ने मारा है, और चेक करने पर उसे उसके शरीर पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मार्कस ज़ॉम्बी बनकर फिर से जीवित हो जाएगा और तभी वो जीवित भी हो जाता है। डिलन फिर उसे बताता है कि तुम एक ज़ॉम्बी बन चुके हो, लेकिन मार्कस को इस बात पर विश्वास नहीं होता। और तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है जहां उसका एक हाथ गायब होता है, जिसे देख वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब डिलन एलिजाबेथ के साथ एक बॉडी पार्ट्स की दुकान पर जाता है, जिसे एल नाम का आदमी चलाता है। डिलन उससे कहता है कि मेरा दोस्त मेरी गाड़ी के अंदर है, उसे नया हाथ लगा देना और मुझे ये बताओ कि आजकल इन क्रीचर्स का लीडर कौन बना है। जिस पर एल कहता है कि वैम्पायर का लीडर वर्गस है, जो सबका लीडर बना फिर रहा है, जो कि कॉर्पस हाउस में रहता है।
पर मेरी मानो तो तुम वहां मत जाओ, वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बिल्कुल बदल चुका है। पर अब इतना जानने के बाद भी डिलन और एलिजाबेथ वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वर्गस अपने साथियों के साथ शमशान घाट आकर अपने एक वैम्पायर लोरका को चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसने लोरका को वो आर्टिफैक्ट लाने का आदेश दिया था, पर वो लाने में असफल रहा। वहीं वर्गिस अपने साथियों से कहता है कि मुझे वो आर्टिफैक्ट किसी भी हाल में चाहिए, जिसकी मदद से मैं एक शैतान को जीवित करूंगा, और उस शैतान की मदद से मैं सारे इंसानों और बाकी क्रीचर्स का खात्मा कर दूंगा, और सब के ख़त्म होने के बाद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स का राज ही होगा, जिसके बाद वो लोरका को जीवित ही ताबूत के अंदर बंद करके वहाँ से चला जाता है। वहीं डिलन वर्गिस से मिलने कॉर्पस हाउस आता है और उससे सवाल करता है कि तुम्हारे आदमियों ने मारा की हत्या क्यों की, जिस पर वर्गिस साफ मना कर देता है। पर डिलन कहता है कि मुझे विश्वास है इन सब में तुम्हारा ही हाथ है, और जब मुझे तुम्हारे विरुद्ध कोई भी सबूत मिल गया तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो चेतावनी देने के बाद डिलन वहां से चला जाता है। पर तभी रास्ते में उसे स्लेक दिखाई देता है, जिसे डिलन पकड़ लेता है और उसे मैरा को मारने का कारण पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इसलिए फिर डिलन उसकी जीप से उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लेता है, पर चालाकी से स्लेक वहां से भाग जाता है, और तभी बहुत ही विशाल जॉम्बी उसे पकड़कर मार डालता है। डिलन अब उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर गोली का उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए डिलन उससे बचकर वहां से भाग जाता है, और ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे पते के जरिए वो मार्कस के साथ स्लेक के घर आता है, जहां उसे मैरा और स्लेक की साथ में फोटो मिलती है, जिसे देख डिलन हैरान हो जाता है कि एक वेयरवुल्फ वैम्पायर को कैसे डेट कर सकती है। इसलिए वो तुरंत गैब्रियल के पास आता है और उन्हें सारी सच्चाई बताने को कहता है, जिस पर फिर गैब्रियल रिवील करता है कि मैं पहले से ही स्लेक और मैरा के रिलेशनशिप के बारे में जानता था, और मैरा की हत्या स्लेक ने नहीं बल्कि किसी जॉम्बी ने की है, जिसे सुनकर डिलन समझ जाता है कि मैरा को भी उसी जॉम्बी ने मारा है जिसने मार्कस और स्लेक को मारा था। अब अगले सीन में डिलन अपने पुराने दोस्त बोरिले के पास आता है और उसे वो आर्टिफैक्ट की फोटो दिखाकर कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए, इसलिए बोरिली एक किताब में उस आर्टिफैक्ट की फोटो दिखाकर बताता है कि इस आर्टिफैक्ट को यदि कोई पूरे चांद वाले दिन एक वैम्पायर के अंदर घुसा दे तो वो वैम्पायर बिलाइल शैतान बन जाएगा, और जिसने भी वैम्पायर के अंदर उस आर्टिफैक्ट को डाला होगा बिलाइल उसी का कहना मानेगा, और उन दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ जाएगी, और यदि बिलाइल को मारना हो तो सबसे पहले उसके मास्टर जिसने उसे बुलाया है उसे मारना होगा, और इस आर्टिफैक्ट की रक्षा हमेशा से वेयरवुल्फ परिवार करता है। अब इतना जानने के बाद डिलन मार्कस के साथ फिर से गैब्रियल के पास आता है, जो उसे घायल अवस्था में मिलता है। डिलन फिर उससे आर्टिफैक्ट के बारे में सवाल करता है, लेकिन वो बस इतना ही कह पाता है कि वो आर्टिफैक्ट स्लाकवी नाम के वैम्पायर के पास है, और इतना कहते ही वो अपना दम तोड़ देता है। इसलिए अब डिलन मार्कस को उस विशाल जॉम्बी के बारे में पता लगाने को कहता है कि आखिर वो कहाँ रहता है, इसलिए मार्कस तुरंत कुछ जॉम्बी से उसका पता लगाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जॉम्बी शहर के किनारे एक पुराने पावर हाउस में रहता है, जिसके बाद मार्कस डिलन के साथ उस पावर हाउस पहुंच जाता है, जहां डिलन को छोटी छोटी बॉटल में वैम्पायर्स के खून मिलते हैं, जिसे देखते ही वो कहता है कि वैम्पायर का खून एक ड्रग की तरह काम करता है, और जो भी ये सारी हत्या कर रहा है उसने बड़े जॉम्बी को यही खून देकर अपने नियंत्रण में कर रखा है, और उसी की मदद से वो हत्या भी कर रहा है। और देखते ही देखते तभी वहाँ वो जॉम्बी आकर डिलन और मार्कस पर हमला करने लगता है, पर डिलन उसके गले में रस्सी बांधकर उसे पावर हाउस से नीचे गिरा देता है, जहाँ दरअसल बाकी जॉम्बीज मिलकर उसे खा जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ से वर्गिस के घर आते हैं और सारी खिड़की दरवाजे खोलकर उस पर धूप डालने लगते हैं, जिससे वर्गिस का शरीर जलने लगता है। और जब डिलन उससे सवाल करता है कि आर्टिफैक्ट कहाँ है, तो इस पर वर्गिस कहता है कि मैंने अपने आदमियों को उसे ढूंढने के काम पर लगाया है, लेकिन मेरा यकीन मानो मुझे वो अभी तक नहीं मिला। जिस पर फिर डिलन सवाल करता है कि ये स्क्लावी कौन है, जिसके जवाब में वर्गिस कहता है कि वो एक स्लीपिंग वैम्पायर है,
जिसने कॉर्पस हाउस को बनाया था जो एक पुराने शिपयार्ड में है। इसलिए अब वो दोनों बिना देरी किए शिपयार्ड पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्क्लावी मिल जाता है जो एक कांच के अंदर होता है, और उसी के पास वो आर्टिफैक्ट भी होता है जिसे डिलन ले लेता है। पर उसके लेते ही स्क्लावी जाग जाता है, पर सही समय पर डिलन कांच बंद कर देता है, और कांच बंद होते ही वो फिर से सो जाता है। पर जैसे ही वो दोनों आर्टिफैक्ट लेकर शिपयार्ड के बाहर आते हैं, कई सारे वैम्पायर्स उन्हें घेर लेते हैं और बंदी बनाकर वर्गस के पास लाते हैं, जहां वो डिलन का धन्यवाद करता है कि तुम्हारे कारण ही मुझे ये आर्टिफैक्ट मिल पाया। वहीं वर्गस ने एलिजाबेथ को भी बंदी बनाया होता है ताकि वो उसे वैम्पायर बनाकर उसकी बलि दे सके, जिसके बाद सारे वैम्पायर्स डिलन और मार्कस को जीवित ही ताबूत के अंदर डालकर वहां से चले जाते हैं। अब ताबूत के अंदर डीलर मार्कस से कहता है कि जोम्बिस के पास जमीन खोदने की शक्ति होती है, तुम जमीन खोदकर हमें बाहर निकालो। जिस पर मार्कस ऐसा ही करता है और जमीन खोदकर वो दोनों ताबूत से बाहर आ जाते हैं और एलिजाबेथ को बचाने के लिए तुरंत निकल जाते हैं। इधर वर्गिस एलिजाबेथ को गले पर काटकर उसे वैम्पायर बनाने ही वाला होता है कि तभी एलिजाबेथ अपने पास रखे चाकू से वर्गिस और उसके बाकी वैम्पायर्स को मारने लगती है, और जब डिलन और मार्कस वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वर्गिस बंदी बना दिखाई देता है, जिसे बंदी एलिजाबेथ ने ही बनाया होता है, और ये देख वो एकदम हैरान हो जाते हैं। जिस पर फिर एलिजाबेथ रिवील करती है कि मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ, मैंने ही उस जोम्बी को नियंत्रित करके मैरा, स्लेक और गैब्रियल को मरवाया है ताकि मुझे वो आर्टिफैक्ट मिल सके और मेरा नाम भी इसमें ना पड़े। मेरे पिता उस आर्टिफैक्ट को चुरा कर उसे बेचना चाहते थे, लेकिन वेयरवुल्फ ने उन्हें मारकर वो आर्टिफैक्ट चुरा लिया, क्योंकि उस आर्टिफैक्ट की रक्षा वेयरवुल्फ करते हैं और मैं भी उसी आर्टिफैक्ट को प्राप्त करना चाहती हूँ ताकि बिलायल को बुलाकर इन सारे क्रीचर्स का खात्मा कर सकूं और दुनिया में सिर्फ इंसान ही रहे। और इन सब के लिए मैंने तुम्हारा प्रयोग किया क्योंकि तुम ही आर्टिफैक्ट ढूंढ सकते थे। जिस पर फिर डिलन जवाब देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और आर्टिफैक्ट वर्गस के अंदर घुसा देती है, जिससे फिर वो देखते ही देखते बिलायल में बदल जाता है। डिलन अब उसे शूट भी करता है पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता, और फिर बिलायल और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेता है, जिसके बाद वो डिलन को पंच मारकर टेरेस पर फेंक देता है। पर एलिजाबेथ उसे मना करती है कि तुम्हें इंसानों को नहीं बल्कि क्रीचर्स को मारना है, लेकिन बिलायल कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं पहले उसे ही मारूंगा, चाहे वो मेरा मास्टर ही क्यों ना हो। और इतना कहते ही वो एलिजाबेथ को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है, पर तभी वैन अपने साथी वेयरवुल्फ के साथ एलिजाबेथ को घेर लेता है, क्योंकि उसने ही गैब्रियल को मरवाया था, और वो सभी मिलकर एलिजाबेथ को खाने लगते हैं, जिससे बिलायल को भी दर्द होने लगता है क्योंकि उन दोनों की आत्मा एक हो चुकी थी, और एलिजाबेथ के मरते ही बिलायल भी गायब हो जाता है। जिसके बाद डिलन वैन को वो आर्टिफैक्ट देकर कहता है कि हमेशा वेयरवुल्फ इसकी रक्षा करते रहे थे, आगे भी वेयरवुल्फ ही इसे संभालेंगे, इसलिए वैन आर्टिफैक्ट लेकर वहां से चला जाता है, और डिलन और मार्कस भी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।